मणिपुर पर आज मौन है, बताइए अडानी पर मौन है, तो किस पर बोलेंगे? ब्रिजभूषण पर मौन है। इस देश के युवाओं का क्या कसूर है? उनका ये कसूर है कि उनको नरेंद्र मोदी को वोट दिया उन्होंने, बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी नए अंग्रेज हैं, ये माफी खोर हैं, और अगर इनसे कोई देश को कोई आजाद करा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया, इंडिया कराएगी। 13-14 प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज बताइए कितना है? इस अकेले यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व गुरु प्रधानमंत्री ने 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। ऐसे देश चलाएंगे? ये अपने आप को एक अकेला सब पे भारी, क्यों घबरा रहे हो? मेरा नरेंद्र मोदी के चेहरे पे 12 बजे रहते हैं अब, ये चाहे कितनी भी गोदी मीडिया का इस्तेमाल कर ले, कुछ भी कर ले, देश की जनता को पता। अगर चंद्रयान 3 जैसे अगर प्रोजेक्ट लॉन्च होते ना, उसका श्रेय भी जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। इसरो की स्थापना किसने की थी भाई? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों में ये जो देश की पुलिस है ना, उस याद रखिए, उसको भी प्राइवेटेशन कर देंगे। ये देश के जो हमारे ये जो फोर्सेस है ना, उसको भी प्राइवेटेशन कर देंगे। इनको पैसा चाहिए, इनके पास विजन ही नहीं है भाई, टेलीविजन है, सुबह शाम दिन रात सिर्फ टेलीविजन पे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। आज जो है यूथ कांग्रेस सड़कों पर है, लेकिन सवाल यह है कि अभी स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट करके कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। सड़कों पर कांग्रेस कब नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूँ। इस यही जंतर मंतर है जहाँ हमारे देश के पहलवानों को कुचल दिया गया, इस ब्रिजभूषण के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बताइए आप ऐसे देश चलेगा? याद रखिए, ये संसद आज स्टार्ट हुआ है, अगर संसद में नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर अगर बोलने वाला है तो वो राहुल गांधी जी हैं, बताइए। महंगाई पर कौन बोलेगा? इस चीन पर कौन बोलेगा? सिर्फ एकमात्र राहुल गांधी जी हैं, बताइए। और कौन बोल रहा है बताइए? मणिपुर पर आज मौन है, बताइए अडानी पर मौन है, तो किस पर बोलेंगे? ब्रिजभूषण पर मौन है। इस देश के युवाओं का क्या कसूर है? उनका ये कसूर है कि उनको नरेंद्र मोदी को वोट दिया उन्होंने, बताइए आप। उनको संसद में बिठाया है, ये जनता की गलती है, बताइए आप, बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मगर आज हो क्या रहा है बताइए, हो क्या रहा है? मैं कहना चाहता हूँ, नफरत हारेगी, इंडिया जीतेगा। इंडिया पर ही सवाल हो रहा है कि कैसे इंडिया का, मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया को आजाद किसने कराया था बताइए? इस इंडिया को अंग्रेजों से किसने आजाद कराया था बताइए? किसने आजाद कराया था? कांग्रेस पार्टी ने। और ये नए अंग्रेज, ये भारतीय जनता पार्टी नए अंग्रेज हैं, ये माफी खोर हैं, और अगर इनसे कोई देश को कोई आजाद करा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया, इंडिया कराएगी। राहुल गांधी जी इनको हराएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अभी देखिए, इंडिया को लेकर ये भले ही उन्होंने तमाम स्कीमें निकाली हो, योजनाएं निकाली हो इंडिया के नाम से, लेकिन अभी कह रहे हैं कि जो लोग, एक पत्रकार कह रही थी कि जो लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, वो अब इंडिया माता की जय के नारे कैसे लगाएंगे? आपको मैं पूछना चाहता हूँ, इनको सिर्फ अपना फायदा नजर आता है कि ऐसे कैसे करेंगे? अरे आपको छोड़ो ना, आप छोड़ो, आप जिस चीज के लिए आए थे उसके लिए बात करो, 2 करोड़ रोजगार के लिए बात करो। माफ कीजिए, पिछले प्रधानमंत्रियों ने, यानी 10 साल तो ये हैं, पिछले 60 साल में लगाइए, 60 साल के अंदर 13-14 प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज बताइए कितना है? इस अकेले यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व गुरु प्रधानमंत्री ने 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। ऐसे देश चलाएंगे ये, बताइए आप। मैं कहना चाहता हूँ, 15 लाख रुपये खाते में डालने आए थे, आज प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 15 लाख से ज्यादा का तो कर्जा डाल दिया इन्होंने। उनका मानना है कि देखिए, एक अकेले के सामने सब जो है एकजुट हो रहे हैं। कौन कहता है? आप मुझको बताइए, 38 पार्टियां इनके, इनके एनडीए में कितनी पार्टियां हैं? 38 में से 24 पार्टियां में तो एक सांसद भी नहीं है, बताइए। क्या जरूरत पड़ गई फिर ऐसे मिलाने की? किनको? मैं कहना चाहता हूँ, ये अपने आप कहते रहे एक अकेला सब पे भारी, क्यों घबरा रहे हो मेरा, क्यों घबरा रहे हो? और बाकी 38 में से 24 का तो मैंने बताया, बाकी 7 इनकी जो पार्टी उनमें एक एक सांसद है, तो ये कितना भी कर ले, इनका निश्चित बता रहा हूँ, 2024 इनके लिए समय आ गया, निकट आ गया, इनकी कुर्सी डगमगा रही है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे 12 बजे रहते हैं अब ये चाहे कितनी भी गोदी मीडिया का इस्तेमाल कर ले, कुछ भी कर ले, देश की जनता को पता है। अरे जमीन पर पता चल चुका है कि अडानी से रिश्ते हैं इनके, जमीन पर पता लग गया कि सारा पैसा अडानी को दे रहे हैं, जमीन की हकीकत ये लोगों को पता लग गई कि अडानी ही इनका मित्र है, बताइए आप। देखिए, ब्रिजभूषण पे चुप है, मणिपुर पे चुप है, और तमाम ऐसे चीजें जिन पर चुप है। भ्रष्टाचारियों को खत्म करने आए थे, सभी को अपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, बताइए आप। सांसद हैं असम के, वो कह रहे हैं कि इंडिया उन्होंने अपने ट्विटर से हटा दिया है, पहले इंडिया लिखा था उसकी जगह भारत लिख दिया उन्होंने, इन्होंने कह रहे हैं कि ये इंडिया, मैं कहना देखिए, अगर इनको डर है तो क्यों बार बार ऐसे चेंज कर रहे हैं?
मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी कर लो, इनके पाप का घड़ा भरने वाला है, बस थोड़ी दिन और है फिर कानों में शोर आएगा। इनका तो वक्त आया था, याद रखिए इंडिया राहुल गांधी जी का दौर आएगा। पर राहुल गांधी जी पर तो अभी सुनवाई किसको होने वाली है? भाई साहब मैं आपको बता दूं, ये हम इस देश के न्यायालय के ना सुनिए सम्मान करते हैं, मगर आप बताइए ऐसे देश चला है? मानहानि के मामले में 2 साल की सजा, आप बताइए ये देश ऐसे चलेगा? पर अभी क्या राहुल गांधी जी ने बोला क्या था आप बताइए? संसद को म्यूट कर देते हैं, ये ऐसे ऐसे चलाया इन्होंने देश, महिलाओं पर चुप्पी तोड़ करते हैं, महिला इस देश की पहलवानों को मसलते हैं, कुचलते हैं, बताइए सब चीजों पे तो चुप हैं ये। इन्होंने इस 9 सालों में किया क्या है? हमेशा जवाहरलाल नेहरू जी को कोसते हुए आए हैं, अगर नेहरू जी नहीं होते ना तो ये चंद्रयान 3 का जो गया है, बताइए इसरो की स्थापना किसने की थी? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे और देश की जनता को पूछना चाहता हूँ, IIT IIM इसरो देसी संस्था है तो मुमकिन है चंद्रयान 3 भी चले। मैं कहना चाहता हूँ इसरो अगर नहीं बनता तो क्या होता? इन्होंने 9 साल में क्या बनाया है? टॉयलेट बनाया है, दे दो नौकरियां युवाओं को। अरे ये युवा बैठा हुआ है 10 साल हो गए, नौकरी चाहिए उनको, उनके भावनाओं के साथ धोखा किया है नरेंद्र मोदी ने, मैं बता दूं आपको और देश की जनता को पता है और इस युवाओं को पता है। ये वो युवा हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सत्ता को हटा दिया गया है और ये सत्ता नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ये युवा तैयार है। अच्छा, इंतजार कर रहे हैं अपने वोट की चोट से सरकार को खत्म करने की। चंद्रयान 3 जैसे अगर प्रोजेक्ट जो है लॉन्च होते हैं तो इसमें क्या मोदी अगर चंद्रयान 3 जैसे अगर प्रोजेक्ट लॉन्च होते ना उसका श्रेय भी जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। इसरो की स्थापना किसने की थी भाई? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, बताइए कांग्रेस पार्टी ने? देखिए उन्होंने स्थापना की लेकिन उसको बनाए रखना, कुछ दिनों के बाद भेज देंगे अडानी को, भेज देंगे। क्या बात कर रहे हो? अरे भाई आप बताओ, बड़े बड़े PSU इन्होंने भेज दिए, इन्होंने बनाया क्या है सिवाय टॉयलेट के? दे दो नौकरी उसमें युवाओं को, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। कुछ ही दिनों में ये जो देश की पुलिस है ना उस याद रखिए उसको भी प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, ये देश के जो हमारे ये जो फोर्सेस है ना उसको भी प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। इनको पैसा चाहिए, ये निकम्मी सरकार, इन्होंने बनाया क्या भाई? 100 लाख करोड़ कर्जा, मेरी बात पे आपने ध्यान नहीं दिया मैं क्या कह रहा हूँ। 100 लाख करोड़ का कर्जा इस यशस्वी प्रधानमंत्री ने करा देश के ऊपर, बताइए। पर यही तो बात है जैसा अभी आपने कहा कि इसरो भेज देंगे, एक मंत्री जी थे एक नेता जी थे वो कह रहे थे कि मोदी जी ने कोई संस्था छोड़ी नहीं है जो बेची नहीं, आज उन्हीं की गोद में बैठे। आप बताइए, मैं कहना चाहता हूँ आपके पास गूगल है? सबसे झूठा प्रधानमंत्री लिखना एक बार, पता चल जाएगा कि कौन है। देश की जनता इंतजार कर रही है भाई, 24 तो आने दो, और एक एक पल इस देश की जनता को नुकसान हो रहा है, उन्हें पता है कि तुरंत जल्दी आए, क्योंकि इस देश में तेजी से अगर बढ़ी है तो महंगाई बेरोजगारी पाताल में डाल दिया, पाताल में आप समझो, और अब ये पाताल से और नीचे ले जाएंगे, ऊपर नहीं आ सकते, इनके पास विजन ही नहीं है भाई। टेलीविजन है सुबह शाम दिन रात सिर्फ टेलीविजन पे, और कुछ गोदी मीडिया विजन की जगह टेलीविजन है। विजन किसके पास है पता है आपको? राहुल गांधी जी के पास। देश को सबसे पहले कोविड से बताने वाले कौन है बताइए? GST के लिए पहले बताने वाले कौन है बताइए? अरे सब चीजों के लिए तो पहले बता दिया, और आज भी पूरे प्रधानमंत्री वाला काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, पता है आपको? मणिपुर में शांत है, बताइए आप, बताइए आप मेट्रो में घूम रहे हो, आप फ्रांस की बात कर रहे हो, आप आपने पिछली बार क्या किया था? मैंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक दिया तो मणिपुर में, फिर सोचिए, ये इनको सिर्फ झूठ परोसना आता है और वो कर रहे हैं। याद रखिए झूठ की बुनियाद ज्यादा दिन तक नहीं रहती, वो ढहना शुरू होती है, और इनका पाप का घड़ा भर गया और इनका झूठ खत्म होने वाला है।